जितने भी सीन्स को मैं यूट्यूब पॉलिसी की वजह से इस वीडियो में नहीं डाल सकता, वो सारे के सारे सीन्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाल दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी सीन्स को एंजॉय कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज चेकआउट माई इंस्टाग्राम एंड फॉलो मी। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि डेविड वापस सबको काम करने के लिए बोलता है और कायला को कैब बुक करवाकर क्रिस्टीन को घर छोड़कर आने के लिए बोलता है। और फिर जैसे ही क्रिस्टीन कैब में बैठती है तो फिर से नॉर्मल हो जाती है, यानी कि क्रिस्टीन ऊपर सब कुछ ड्रामा कर रही थी। और इनफैक्ट वो घर जाने के बाद तो बर्गर भी खाती है। अब इसके बाद वो नहाती है और नहाकर आने के बाद वो एक वेबसाइट पर जाती है जो एक्सकॉर्ट को बिजनेस प्रोवाइड करवाती थी, यानी कि क्लाइंट्स प्रोवाइड करवाती थी। और यहाँ क्रिस्टीन अपना नाम रखती है एमेंडा हाइस, और वो इस वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद एक एड लगाती है। एड वो इसलिए लगाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसे क्लाइंट मिल सके। और फिर एड बनने के थोड़ी देर बाद ही उसे रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है। और फिर क्रिस्टीन उन सभी मैसेजों में से डेनिस नाम के टोरंटो बेस्ड बिजनेसमैन को रिप्लाई करती है। और जब उन दोनों के बीच बात होती है तो डेनिस उसे 3 दिन के लिए अपने यहाँ बुलाता है। और जब क्रिस्टीन फर्स्ट टाइम वहां जाती है तो सबसे पहले तो डेनिस उसे एक कार्ड गिफ्ट करता है और फिर उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। उसके बाद वो दोनों काफी देर तक सेक्सुअली क्लोज आते हैं। और फिर काफी इंजॉय करने के बाद क्रिस्टीन वहां से चली जाती है। वहां से जाने के बाद क्रिस्टीन अपने होटल में जाती है, जहां पर वो अपनी फिर से पिक्चर्स को अपलोड करके सिर्फ टोरंटो के लोगों के लिए एड लगाती है, क्योंकि वो 3 दिन वहां रहने वाली थी तो वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच लिया जाए। और इस एड के लगने के बाद उसे नए क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और फिर क्रिस्टीन टोरंटो बेस्ड ही एक बिजनेसमैन के पास जाती है, जहां पर पहले से ही 2 लड़कियां मौजूद थी, जिनमें से एक मोनिका नाम की भी थी जो कॉल गर्ल का काम पिछले 6 साल से कर रही थी। अब यहाँ पर जिस आदमी ने इन लोगों को बुलाया था, उस आदमी ने ना तो मोनिका के साथ कुछ करा ना ही क्रिस्टीन के साथ, बल्कि वो पूरा टाइम तीसरी लड़की के साथ ही पड़ा रहा। और फिर रात होने पर क्रिस्टीन और मोनिका अपने अपने पैसे लेकर वहां से निकल जाती हैं। और इसी तरीके से ये 2 दिन के अंदर कई सारे क्लाइंट से मिलते हैं। और इसी तरीके से क्रिस्टीन जब एक क्लाइंट से बात कर रहा होता है, तभी मार्टिन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसकी सेक्स टेप को शिकागो लिस्टर्स ने अपनी न्यूज वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है। और मार्टिन की इस लेटेस्ट न्यूज के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।